नमस्कार, समन्या मैं छु प्रदीप पोखरियाल और आज हम आपते दिखाना चाहो उत्तराखंड एक गांव जो क्षेत्रफल के हिसाब से उसका बड़ू भले नीच पर प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण च, चाहे वो कृषि योग्य भूमि च, पानी चाहे अन्य संसाधन। दिल्ली से आप मेरठ, बिजनौर, नजीमाबाद, कोटद्वार का रास्ता ये गांव तक आराम से पहुंच सक दो नजदीकी रेलवे स्टेशन कोटद्वार पुड़ग। कोटद्वार से अग्नि, दुगड्डा, लैंसडॉन, बीरोखाल रोड मनमोहक दृश्य आपका स्वागत कर दी। डेर खालम लैंसडॉन रोड अलग हुई जान और जो लोग लैंसडॉन घूमन चाहना छी ऊखण या होटलों बहुत बढ़िया व्यवस्था छ। अग्नि सिसल डिम आप चाय खण खाना खण रुक सकदो जख का समोसा छोला बहुत प्रसिद्ध थी। चलो छोले दे दे। गढ़वाल उत्तराखंड की खास बात यह बिच कि आप कख भी जाओ मगर यख का मनमोहक दृश्य, यख का पहाड़ आपका साथ कभी नहीं छोड़दा। रस्तम आप थे बुरासा का फूल और काफल का डाला भी मिलला, अगर मौका लगलू तो काफुल जरूर खाया। आखिरकार हम पहुंच गए जयकोट जो बीरोखाल रोड पर पौड़ी गढ़वालक एक गांव है। शहरी चकाचौंध से दूर पक्षियों की चहचहाहट तथा साफ वातावरण आप यह देख सकते हो। यख एक प्रसिद्ध प्राचीन भैरवनाथ मंदिर बिच जग जानक सौभाग्य हमते प्राप्त हुआ। जयकोट पूर्वी नयार नदी किनारे पर बस्यु च। प्राकृतिक गोदम, प्राकृतिक स्विमिंग पूल आप यख इंतजार करनो च। उत्तराखंडम कलाकारों कमी नीच वख मिली हमते श्री कैलाश भदुला जी जो व्यवसाय से शिक्षक छी मगर हृदय से संगीतकार, चाहे बांसुरी हो चाहे हारमोनियम हर कलाम परांगत। गढ़वाल उत्तराखंड का लोकगीत तथा मनमोहक लोक नृत्य विश्व प्रसिद्ध छे। दुई दिन गढ़वालम बिताने के बाद अब समय च वापस जाने को। यूं खूबसूरत वादियों थे वीरान होने से बचाया, चाहे सालम एक बार पर अपर गांव जरूर जाया। आशा कर दो कि आप थे हमारी श्रृंखला पसंद आली, हमारे चैनल थे सब्सक्राइब करिक हमारे मान बढ़ाया। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।